एक तरफ श्री राहुल गांधी जिन्होंने 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर इस देश में बेरोजगारी महंगाई नफरत के खिलाफ अलग जगाई। आज भी जब कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर पूर्व से शुरू होकर मणिपुर से शुरू होकर और बंबई तक चलने लग रही। हमने ये सोचा, हमने निर्णय किया, पूरे देश में जहां न्याय की आवश्यकता सबसे ज्यादा न्याय की अगर आवश्यकता है तो आज उस सरकार के समय न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा गजपा सरकार ने अन्याय का कुशासन पिछले 9 साढ़े 9 साल से हरियाणा में फैला रखा। हरियाणा का किसान, हरियाणा के किसान के चेहरे की रवानी भारतीय जनता पार्टी और गजपा की सरकार ने खत्म कर दी। हरियाणा के नौजवान की जिंदगी और भविष्य को भारतीय जनता पार्टी और गजपा ने छीन लिया। हरियाणा के गरीब दलित पिछड़ों को उनके अधिकारों को भाजपा गजपा ने छीन लिया। हरियाणा की महिलाओं को महंगाई के गर्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झोंक दिया। यहां सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान साथी बैठे खड़े, कोई भूखल मारे खड़ा है, कोई कोने के अंदर है, कोई कुर्सी पर मेरे सामने बैठा। आज अगर हमारे बेटा और बेटी न्याय मांगने जाते, पढ़े लिखे काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु जब नौकरी मांगने जाओ तो रोजगार नहीं मिलता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और गजपा की सरकार में नौकरियों को मंडी लगाकर बेचा जा रहा है। किसान जब अपना अधिकार मांगने जाता है तो कभी उसको 3 काले कानून मिलते, कभी खेती पर टैक्स लगा दिया जाता है, कभी किसान के अधिकारों को छीन लिया जाता है। पहली बार 75 साल के अंदर एक ऐसी सरकार दिल्ली और हरियाणा में आई जिस सरकार ने खेती पर टैक्स लगा दिया, 5% खाद पर, 18% कीटनाशक दवाई पर, 12% ट्रैक्टर पर और 18% खेती के उपकरणों पर। अब तो हमारी खाद के कट्टे के पहले तो 5 किलो खाद ये कह के चोरी कर ली कि नीम कोटेड यूरिया देंगे, और अब पिछले हफ्ते से ये फैसला कर लिया कि 10 किलो खाद चोरी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं आपको इस सल्फर कोटेड यूरिया देंगे। यही हाल गरीब दलित का है, मजदूर का है। बगैर जमीन वाला मजदूर कहां जाए? आज सारे बच्चे हरियाणा के आईलेट सेंटर में खड़े हैं, बरवाड़ा, उकलाना, हिसार, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, एक एक शहर के अंदर 200-200, 300-300 आईलेट्स के सेंटर खुल गए। जिसके पास एक डबड़ी, एक किला, आधा किला जमीन है, वो अपने बाप को, मां को ये कहता है, बाबू मेरी जमीन में जो मेरा हिस्सा आता हूं बेच दे, मैं तो बाहर जाना। लड़के और लड़कियां पहली बार हरियाणा के बाहर जाने लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर रोजगार और रोटी नहीं। 47 पेपर ऐसे हैं जो या लीक हो गए या बिक गए। शैलजा जी कांग्रेस की प्रधान हुआ करती थी, उस समय हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव किया, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैची लेकर, करोड़ों रुपए की अटैची रिश्वत की, आपके बच्चों की मेहनत की, आपकी जिंदगी की कमाई की, वो सारी की सारी इस सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रखी। कई बार एसआईटी बनी, कई बार और दूसरे काम हुए, पर लाभ कोई नहीं। आज कई कार्यक्रम, बहुत सारी बातें मेरे बुजुर्गों और साथियों करने की, पर मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, हम तीनों की तरफ से, मंच पर वो सारे साथी मौजूद है उनकी तरफ से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं, आपके आगे नतमस्तक हैं कि सर्दी के इस मौसम में आप कंधे से कंधा मिला के इस कांग्रेस संदेश यात्रा में राहुल जी खड़गे साहब की आवाज को आगे करने के लिए खड़े। परंतु उखलाना, भरवाड़ा के, पावड़ा के, पंचग्रामी के मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, काका ताऊ, बहनों, माताओं, नौजवानों, एक बात समझ लीजिए, जब तक सत्ता और व्यवस्था
व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक राज नहीं बदलेंगे, जब तक राज की कलम नहीं बदलेंगे, तब तक हरियाणा का भविष्य बदल नहीं सकता। और इसलिए हम केवल आपको आह्वान करने आए, अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसका अधिकार मिले, अगर आप चाहते हैं कि गैस का सिलेंडर जो मेरी माताओं को 1100 रुपए का खरीदना पड़ता है, इसकी कीमत ठीक हो, सस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब दलित और पिछड़े को अपना अधिकार मिले, उसके घर में रोशनी हो, अगर नौजवान को उसका अधिकार मिले, रोजगार और रोटी मिले, अगर हरियाणा का भाईचारा दोबारा से बढ़े, तो फिर एक ही रास्ता है और वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है। कई बार मेरे साथी ये कह देते कैसे कैसे होगा सत्ता परिवर्तन, मैं आज आपको कहता हूं, हिसार, जींद हिसार, भिवाणी, सरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, ये वो धरती है, ये वो धरती है जो सत्ता का परिवर्तन करती है। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, इस सारे अपने सारे जिले हिसार से सारे एमएलए कांग्रेस के बढ़ा दीजिए, हम हरियाणा का राज आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप और हमारे सारे साथी, हम व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे साथियों, हम किसी पद या पदवी की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे, हमारे इलाके का कल्याण हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, गरीब दलित और पिछड़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसान का खेत लहला जाए, हमें आप फांसी टांग दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, आपके आपके घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए, हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, आप सारे जो हजारों की संख्या में यहां बैठे, आप मन बना लीजिए, आप संकल्प कर लीजिए, आप मुट्ठी उठाकर ये हाथ खड़ा कर लीजिए, जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन इस इलाके की जनता ये संकल्प कर लेगी, एक बार दोनों हाथ ऐसे खड़े करके दिखाइए, जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और कहता हूं, अपना ये सारा इलाका राज का मोहताज रहा है, कई बार राज होते हुए भी तारी राज में पूरी हिस्सेदारी नहीं होती। जोगी राम जी कहां पीछे खड़े खड़े मेरे को एक कान में कह रहे थे, भाई साहब राज की बात तो जरूरी है, इस इलाके की जोड़ी पर मेरे बुजुर्गों, साथियों, काका ताऊ, भाइयों, बहनों, माताओं, इस इलाके की जोड़ी के ऊपर ये वचन है कुमारी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी का, आपकी जोड़ी पर राज लाकर लाएंगे, खड़ा कर देंगे, ये राज लाने की लड़ाई, और उसी से हमारे इलाके में परिवर्तन आएगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों की लड़ाई है। आप सब यहां सुबह